हैं, इसमें आई हैंड्स लेग्स और सीक्वेंस है कि एक के बाद एक हमको कैसी चीजें करनी। आप वो सारी चीजें सीखेंगे और पूरा करने के बाद आप उसकी वीडियो बना के भेजेंगे। अभी भी आप जो कर रहे हैं आपके वार्मअप्स की, किक्स की, इसकी आप वीडियो या फोटो क्लिक करके आप ग्रुप में भेज दें। 3 डेज के बाद आप अपना फीडबैक, इसमें एक फीडबैक फॉर्म आएगा, वो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक उसमें फिल करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप टाइकोंडो एडवांस टेक्निक। टाइकोंडो में वार्म अप्स हमारे फिंगर से लेकर टोस तक के होते हैं। सारे वार्म अप्स हम करते हैं, हमको लगता है कि ये वार्म अप्स हमारे लिए कुछ भी हेल्पफुल नहीं है। क्या है, हमने ऐसे ऐसे हैंड्स रोटेट किया, हैंड ऐसे किया ऐसे, बट आपको पता नहीं होता कि ये हमारे बोन्स के लिए कितने ज्यादा हेल्पफुल है। और अभी हम छोटे से ये सारी चीजें करते हैं तो बड़े होते तक ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे जब हम खेलते हैं गिरते हैं तो हमें बहुत जल्दी चोट नहीं लगती। किसी भी चीज को स्टिफ करने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस जरूरी। हमारी बोन जैसे सॉफ्ट होती है और हमने अगर कभी कुछ नहीं किया है तो आप देखोगे कि आप थोड़ा सा खेलते हो या कभी आपने थोड़ा वेट उठा लिया, कभी आपका बैग हैवी हो गया तो आपके शोल्डर में पेन होता है, आप ज्यादा लिख लेते हैं तो आपके फिंगर्स में पेन होता है, ठीक है, आप क्रिकेट खेल लेते हैं या फुटबॉल तो आपके लेग्स में पेन होता है। वो इसी पर्पज से होता है कि हम डेली अपने बॉडी के लिए कुछ भी नहीं करते, हम डायरेक्ट मैदान में उतर जाते हैं खेलने के लिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज 10 मिनट्स 15 मिनट्स कुछ भी आप करते हो मॉर्निंग में तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप उसमें रनिंग कर सकते हैं, आप उसमें स्किपिंग कर सकते हैं, और आपको जो भी चीज मैम यहाँ बताती है, मैम तो बहुत सारी एक्सरसाइज बताती है, बट उसमें से आप कोई भी 8-10 एक्सरसाइज भी अगर डेली करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। बॉडी स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है किसी भी वे में, चाहे आप इस वे में करिए, चाहे आप ऐसे करिए, चाहे आप किसी भी तरह से अगर बॉडी स्ट्रेच करते हैं तो वो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फिंगर की। सबसे पहले आप सारे फिंगर्स को ऐसे रोल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड फिंगर 3 4 5 6 7 8, थर्ड 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। आप सभी अपने वीडियोस ऑन रखेंगे जिससे मुझे भी पता चले कि आप सब सही डायरेक्शन में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ स्ट्रेट हैंड्स। अब हैंड्स को ऐसे मूव करेंगे, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसको उल्टा एंटी क्लॉक घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, वेरी गुड। नाउ लेफ्ट हैंड मेक अ फेस्ट क्लॉक वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, अप डाउन हमको करना है 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब साइड में हम अपने नेक को साइड बाय साइड करेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे, फास्ट नहीं करना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके,
अब हेड नेक डाउन करना है हमको, लेफ्ट साइड राइट साइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वेरी गुड। नाउ नेक को हम राउंड रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नाउ एंटी क्लॉक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वेरी गुड। बेटा वीडियोस ऑन रखिए ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप कैसा कर रहे हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सब अच्छा कर रहे हो। यस, हैंड स्ट्रेट। अब हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है हमको और बिल्कुल सीधा ऐसे लेके जाएंगे, ओके? ऐसे जितना पीछे की तरफ हम ले जा सकते हैं हम ले जाएंगे पीछे की तरफ, ओके? हैंड स्ट्रेट, वन टू, और हमको अपने टोज को भी ऊपर अप करना है, ऐसे अप होंगे और हैंड्स को भी हमको लेके जाना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वेरी गुड। आप करते रहिए, आपको थोड़ा सा आज शोल्डर में पेन होगा बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत स्लाइड सा। 9 10 11 12 13 14 15 16, वेरी गुड। अब हमको ऐसे ही ये हैंड्स हमारे हैं, इसको ऐसे साइड कर देना, हमको अपने हैंड्स को मोड़ देना है, उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में हमको इसको स्ट्रेच करना है और टोज अप करना है, टू थ्री सेवन एट नाइन टेन, यस, वेरी गुड। अब हम अपने हैंड्स को राउंड राउंड ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यस गुड। नाउ एंटी क्लॉक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यस। नाउ लेफ्ट हैंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एंटी क्लॉक, वन। हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, सीधा हाथ, ऐसा नहीं कि हमने ऐसे घुमा उसको बीच में फोल्ड कर लिया, बिल्कुल स्ट्रेट आपका हैंड जाना चाहिए। सिक्स सेवन एट, यस, ओके। अब हम अपने लेग स्ट्रेच कर लेंगे इस तरह से, हैंड्स ऑन योर वेस्ट, आपके वेस्ट पे हैंड्स रहेगा और इसको हमको ऐसे साइड में, लेफ्ट साइड डाउन देन राइट साइड डाउन, ओके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वेस्ट की एंड शोल्डर की एक्सरसाइज है ये। अब इसको हमको ऐसे साइड करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अगेन आप करिए एक बार और, वन टू थ्री फोर
जितना पीछे आप अपने शोल्डर को ऐसे हिप्स को आप घुमा सकते हैं वैसे उतना घुमाइए. 1 2 3 4 5 6 7 8 यस वेरी गुड. अब नेक्स्ट हम अपने लेफ्ट हैंड से राइट फीट को टच करेंगे एंड राइट हैंड से लेफ्ट फीट को टच करेंगे. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन आप करिए. लेफ्ट हैंड से राइट फीट को टच करना है अपोजिट डायरेक्शन एंड राइट से लेफ्ट को टच करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 यस वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैंड साइड में देन फ्रंट डाउन बैक. ओके पीछे की तरह आपको झुकना है. जितना आप बेंट हो सकते हैं उतना होइए. फोर्सफुली नहीं करना है आपको आज कुछ भी. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यस वंस अगेन 1 2 3 4 वेरी गुड यस. नाउ नेक्स्ट लेग स्ट्रेच करेंगे हम. फर्स्ट लेफ्ट साइड आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए. फ्रंट लेग बैंड एंड बैक लेग स्ट्रेट. पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रखना है हमको और बैंड नहीं करना है. जब हम ऐसे डाउन होते हैं तो ये नी बैंड ट्राई करेगा कि मैं बैंड हो जाऊं बट आपको नहीं करना है. ओके और आपको ये इतना बैंड करना है जब तक आपके यहाँ पे थाइस में लगे नहीं कि इसमें स्ट्रेच हो रहा है. अगर आपको थोड़ा सा पेन होता है तो बिल्कुल धीरे धीरे करना बट तब तक करते रहना है क्योंकि ये जो नस है यहाँ की मसल से खींचेगी तभी आपको लगेगा कि आपकी एक्सरसाइज हो रही है. ठीक है तो आपको इतना स्ट्रेच करना है कि उसमें पेन फील हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 यस. राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी थाइज वाली मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है. ये इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए आपको ये सारी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. ये स्ट्रेचिंग तभी आप किक्स कर पाएंगे अदरवाइज एक भी किक अप नहीं हो. ओके वंस अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड. अब हमको ऐसे ही फ्रंट में करना है बट पहले हमने टोज पे किया था अब हमको पूरी फीट ऐसे बेंड करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 यस. वंस अगेन आप करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरी गुड. रिलैक्स करेंगे हम 1 मिनट. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. डीप ब्रीथिंग है ये एक्सरसाइज हम करते हैं तो इससे हम रिलैक्स होते हैं. ब्रीथ इन
बताओ। जब भी आप एक्सरसाइज करते करते टायर्ड फील करते हैं या थक जाते हैं, तो आपको 1 और 2 मिनट्स रुक के कर लेना चाहिए। जब आपको फील हो रहा है कि नहीं आप थक गए हो, तो जरूरी नहीं है आप उसी में ही कंटिन्यू करते रहे। ओके, अब हम थोड़ी जंपिंग एक्सरसाइज करेंगे, लाइट जॉगिंग। थोड़ा फास्ट करेंगे। पास यस, वेरी गुड। विंटर्स में हम घर पर भी ऐसे जॉब कर सकते हैं, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। टो पे करना है, जिससे आपकी टो की फिंगर स्ट्रांग होती। ओके, नाउ चेंज, क्रॉस लेग करना है हमको। सेवन एट यस, करिए। अब आप वन मोर टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। अब साइड में करेंगे हम 2 3 4 5 6 7 8। ओके, वेरी गुड। नाउ रिलैक्स। हमारा वार्म अप था, बहुत सारे होते हैं बट आपको थोड़ा सा करवाया है। इसके बाद हमने जो पंचेस किए थे लास्ट वर्कशॉप में, उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, ट्रेड टाइकोंडो में ट्रेड मीन्स सावधान। ओके, ट्रेड जुम्बी ये पोजीशन होती है। ओके, ट्रेड जुम्बी। हॉर्स स्टांस बनाएंगे हम, लेफ्ट लेग अप एंड डाउन। हॉर्स स्टांस कैसे होगा? लेफ्ट लेग अप एंड डाउन। ओके, मिडिल पंच, 1 2। मिडिल पंच है ये, बिल्कुल शोल्डर के सामने होगा ये पंच। हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और फिस्ट आपकी टाइट रहेगी। फिस्ट हमको कैसे बनाना है? थंब अंदर नहीं रह रख रहे अपने को, फिंगर्स क्लोज और थंब बाहर की तरफ रहेगा। ओके, चलिए चार पंचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस, बिल्कुल स्ट्रेट हैंड्स को ले जाना है हमको, सीधा हाथ। 1 2 3 4 5 सिक्स सेवन एट नाइन टेन यस, वेरी गुड। नाउ लोअर पंच, लोअर नीचे की तरफ, बट शोल्डर बैंड नहीं करना है हमको, हमारे शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे, नी बैंड रहेगा। ये स्टांस में नी हमेशा हमको बैंड ही रखने है। ठीक है, ये आपकी थाइस के लिए है और ये पंचेस आपके हैंड्स एंड शोल्डर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस, वंस अगेन लोअर पंच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, वेरी गुड। अब अपर पंच, अपर हमारे
फेस के सामने बिल्कुल नोज की डायरेक्शन में हमारा ये पंच होता है, अपर पंच। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे मिडिल एंड अपर, मिडिल पंच एंड अपर पंच एक साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। आपको आज थोड़ा सा पेन होगा क्योंकि बहुत टाइम से आपने अगर कुछ नहीं किया है तो आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ये आपके सही हो जाएगा। आपको घर पे ऐसी कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी है जो हम यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है ना? तो आप चलते फिरते किसी को पंच मार दोगे और ना ही आपको ऐसी जगह मारना है जिससे आपको खुद चोट लगे, ठीक है? ये हम अभी सीख रहे हैं, बहुत बेसिक पोजीशन में है, तो अभी आपको ये अप्लाई नहीं करना है। अब हम अपने राइट हैंड से यही रिवाइज करेंगे, मिडिल अपर हैंड चेंज करके हम वापस मिडिल पंच और अपर पंच करेंगे। यस स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ अब हम ट्रिपल पंच करेंगे, लोअर मिडिल अपर, ठीक है? ये सारी चीजें आपको इसलिए करनी है क्योंकि जो आप कोर्स से करेंगे कल से उसमें ये सब कंटिन्यूशन में है। एक के बाद एक आपको कभी लोअर ब्लॉक करना पड़ सकता है, मिडिल पंच करना पड़ सकता है, वो हम कल सीखेंगे। तो आप आज ध्यान से ये सारे पंचेस और ब्लॉक्स की प्रैक्टिस करिए। ओके, लोअर मिडिल अपर, 3 पंच करना है हमको। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, वेरी गुड। नाउ रिलैक्स 1 मिनट। फ्लेक्स करने के लिए फ्लेक्स को आप ऐसे कर सकते हैं जो उस स्टांस में कंटिन्यूशन में हम खड़े थे, ठीक है? यस, आज जितना भी सीखा है आपने, जो भी करी है उसकी आप पिक्स क्लिक करके कि हाँ भाई आपने ये पंचेस किए हैं या वार्म अप कर रहे हैं, उसकी शॉर्ट वीडियोस बना के आप उनको भेजिएगा तो हमें भी पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है, ठीक है? हमारे एफर्ट से आप तक कितने पहुंच पा रहे हैं। यस, वेरी गुड। नाउ स्टार्ट वंस अगेन ट्रिक, और स्टांस। यस, अब हम ब्लॉक्स करें। ओके, लोअर ब्लॉक, ठीक है? ब्लॉक इसलिए जरूरी है कि अगर कोई भी ऑपोजिशन सामने वाला किक करता है या किसी भी वे में हम पर अटैक करता है तो हमको ब्लॉक्स आने चाहिए। ओके, ये सब चीजें हम तभी कर पाते हैं जब हम रेगुलर प्रैक्टिस में रहे, अदरवाइज हमारा माइंड इतना काम नहीं करता है कि अगर किसी ने कुछ किया है तो हम सडन क्या करें। बट हम कंटिन्यूशन में अगर ये सारी चीजें प्रैक्टिस में रखते हैं तो हमारे हैंड स्लिप खुले हुए होंगे, तो कोई भी अटैक को हम फास्टली उसको हम डिफेंस कर पाएंगे, ठीक है? अदरवाइज हम सोचते रह जाएंगे कि अरे हमको इसमें क्या करना। तो पंचेस, ब्लॉक्स, ये सारी चीजें ऐसी है कि आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए लोअर ब्लॉक करेंगे। लोअर ब्लॉक के लिए हमको दोनों हाथों को इस तरह से करना है और लेफ्ट हैंड नीचे जाएगा और राइट हैंड आपका वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है? फिस्ट आपको बहुत टाइट स्ट्रॉन्गली आपको बंद करनी है। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, वेरी गुड। दोनों हाथों
होगा हमको लेके जाना है, बट जिससे हमको ब्लॉक करना है वो हाथ नीचे जाएगा और जो दूसरा हाथ है वो वेस्ट पे आएगा। अब किससे ब्लॉक करना है कैसे पता चलेगा? जो हाथ हमारा ऊपर की तरफ है वो ब्लॉक जाएगा नीचे, और जो हाथ नीचे की तरफ होता है वो आएगा वेस्ट पे। ओके, तो इससे हमें पता चलेगा कि जो हाथ ऊपर है वो उससे ब्लॉक करना है और दूसरा हाथ हमारे वो वेस्ट पे रखना है। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। ये लोअर ब्लॉक का दूसरा ब्लॉक है मिडिल ब्लॉक। मिडिल मतलब सेंटर में, बीच में, ये बिल्कुल शोल्डर के सामने आपका ब्लॉक आना चाहिए, ये मिडिल ब्लॉक। ओके, इसमें भी वही है, जो हाथ ऊपर की तरफ है उससे हम ब्लॉक करेंगे और जो दूसरा हाथ है वो हमारा वेस्ट पे जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यस, वेरी गुड। नाउ अपर ब्लॉक, ठीक है। अब अपर ब्लॉक इसलिए है कि कोई अगर ऊपर से अटैक करता है तो हम इसको ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, अब इसमें आपका हैंड्स ऐसे पूरा रोल होके ऐसे जाए, ठीक है। अब ये हम इस तरह से क्यों करते हैं? हर चीज की एक फॉर्मेशन होती है, हमको उसमें भी इसलिए करना होता है क्योंकि उससे हमको फोर्स मिलता है। अगर हम सीधा ब्लॉक ऐसे ले जाके रख देंगे तो इस हाथ में हमारे कोई पावर नहीं, बिल्कुल सिंपल ऐसे कर दिया तो कोई पावर नहीं है, बट हम इसको इस प्रॉपर पोजिशन में करते हैं तो एक पावर के साथ ये ब्लॉक जाता है। ओके, ठीक है, नहीं तो हम करने को ये ऐसे भी रख सकते हैं, बट ऐसे नहीं करना है, पूरा ये रोल करके जिससे हमको इससे पावर मिलती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जब आप फोर्सफुली करते हैं तो आपको खुद देखना बोन्स पे एक आवाज, हल्की सी वाइब्रेशन की साउंड आपके इयर्स में आती है जब आप फोर्सफुली आप कर रहे हैं या उसको पावर से कर रहे हैं, ठीक है। पंचेस भी हम पीछे से लाते हैं, सीधा पंच भी कर सकते हैं बट वो पंच कोई काम का नहीं है, उसमें कुछ भी पावर नहीं होती, बट पीछे से पंच लाते हैं फोर्सफुली आगे जाते हैं, बैक साइड से लाए फोर्सफुली आगे, ठीक है। तो इन सबको करने का ये एक तरीका है कि हम सिंपल ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं बट वो वर्थलेस है, उसका कोई यूज नहीं। नाउ अपर ब्लॉक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। अब हम फिंगर हिट करेंगे। फिंगर हिट कैसे होती है? जैसे ये पंच होता है इसी तरह से फिंगर हिट है, बस हमको ये फिंगर्स को निकाल के करना है। ये सारी फिंगर्स एक साथ रहेंगी जॉइंट, अलग अलग फिंगर्स नहीं करनी है, पूरी फिंगर एक साथ जॉइंट रहेगी। वो पीछे की तरफ जाएंगे, पूरे हैंड्स ऐसे एल्बो ले जाएंगे बैक साइड, फिर फ्रंट में फोर्सफुली हिट करना है। ओके, बैक साइड हिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यस, वेरी गुड। यस, ये फिंगर है। ओके, नाउ कम ऑन, तुम भी पोजिशन ट्रेंड, रिलैक्स, यस, रिलैक्स पोजिशन करिए आप सब। आप वीडियोस ऑफ रखेंगे तो बेटा मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं? वीडियो ऑन रखिए जिससे
ये रिकॉर्डिंग हमारे फेसबुक पे भी शो होती है, तो आप करते हुए दिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, कैसा भी कर रहे हैं, फर्स्ट डे तो बेटा कोई भी परफेक्ट नहीं करता, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ही परफेक्शन आता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी भी तरह से कर रहे हैं, आप मेरे को, मेरा मोटो आपको सिखाना है, और देखूंगी अगर आप रॉन्ग कर रहे हैं तो ही आपको बता पाऊंगी कि बेटा दिस इज रॉन्ग, आप इसको इस वे में करिए। ओके, यस, राइट लेग बैक, राइट लेग बैक, बिल्कुल हमको वॉकिंग स्टांस बनाना है, फाइटिंग स्टांस भी बोलते हैं इसको। लेफ्ट लेग आगे रहेगा, राइट लेग पीछे की तरफ रहेगा, बैक साइड। ओके, और ये हमारा ऐसे रहेगा फेस गार्ड। अब हम किक करेंगे पुश किक। ओके, पुश किक, नी अप करना है, किक बैंड बैक, नी अप किक बैंड बैक। पुश किक क्या है ये, बिल्कुल आपके ये इस एरिया में इस किक का यूज होता है। जब हम फाइट करते हैं, टूर्नामेंट में जाते हैं, तो ये किक हमारे इस एरिया में काम करती है। बिल्कुल, आप जोर से अगर स्टमक में मार देते हो किसी को तो बहुत तेज लग सकती है। सो प्लीज डोंट ट्राई एट होम, अपने छोटे ब्रदर सिस्टर किसी को भी अननेसेसरली किक नहीं करना है। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके, वेरी गुड, नाउ लेट चेंज। अब हम यही किक लेफ्ट लेग से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यस, वेरी गुड। हम लेग चेंज एक बार फिर ट्राई करेंगे हम। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी गर्मी लगी होगी आपको, जैकेट्स मत और रिमूव करना अभी कोई भी, और ना ही वाटर ड्रिंक करना है। ओके, वन टू थ्री, जितना लेग आपका अप हो सकता है उतना करेंगे, बट ये किक नीचे की तरफ नहीं होती है, लोअर किक नहीं होती है, ये सेंटर में स्टमक से लेकर चेस्ट तक इस किक का यूज होता है। तो आपको इतना ऊपर तो लेग अप करना ही है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यस, लेग चेंज। किक करते समय हमारे हैंड्स नीचे की तरफ हो जाते हैं, जिससे ये किक फोर्सफुली आगे जाता है। ओके, फिर ये हमको अप कर लेना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यस, कम ऑन, चेक, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। वेरी गुड, ये हमने सीखी पुश किक। ओके, ये पुश किक भी हमारे पुंसे में यूज होगी। तो अभी आज हमने सीखा वार्म अप, पंचेस एंड किक्स। ओके, ये पुश किक है, इसके बाद एक किक और है ड्रॉप किक, वो आपको मैं कल बताऊंगी, ठीक है? तो अभी आज आपको एक्सरसाइज करके कैसा लगा, हाउ यू फील? गुड गुड मैम, वेरी गुड अच्छा लगा?
ओके वेरी नाइस। आप सब कर रहे थे या कैमरा ऑन करके सो गए थे? कर रहे थे क्या? बॉडी कुछ आपकी गर्म हो गई? यस तो नहीं लग रही मैम। आपको? नहीं लग रही ना? डूइंग वेरी गुड। जो बच्चे कर रहे हैं वेरी नाइस। अब आपको क्या करना है, आज जितना भी आपने सीखा है, जो हमने पंचेस किए हैं, ब्लॉक्स किए हैं,